आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन ब्रश के बारे में। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है तो हम Hey guys, hello everyone, my name is Vinrian, you're watching Tashpa Vlogs और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन ब्रश के बारे में। सो बेसिकली कार्बन ब्रश के बारे में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस कार्बन ब्रश को, ये बेसिकली CM4 मार्बल कटिंग मशीन के कार्बन ब्रश है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे मार्बल कटिंग मशीन के अंदर। सो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और भी इसके कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से मशीन देखने को मिल जाएगी, मार्बल कटिंग मशीन, और कार्बन इसके अंदर पहले से इंस्टॉल है तो हम उसको रिमूव करके फिर वापस मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, तो आपको यहाँ पर माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है। यहाँ पर से स्क्रू ड्राइवर निकल के तो आपको कैप को इस तरह खोलना है। खोलने के बाद आपको कार्बन की स्प्रिंग आएगी बाहर, तो आपको इस तरह से कुछ कार्बन निकालना है। तो ये ऐसा कुछ इसका कार्बन आता है CM4 का, और CM4 S और SA और SB में दोनों में सेम कार्बन लगता है, तो इतना कोई इशू है नहीं। तो दोनों साइड का एक एक करके हमें खोलना है। सो आप देख सकते हो ये इसकी कैप, इस पर थ्रेड है और ये कार्बन ब्रश। तो गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कार्बन ब्रश का ग्रेफाइट जो है वो कितना ख़त्म हो जाता है, तब आपको कार्बन ब्रश चेंज कर देना चाहिए। अब समझो आपका कार्बन ग्रेफाइट इतना हो जाता है, तब आपको कार्बन ब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आप इतने कार्बन पे मशीन को चलाते जाओगे तो कार्बन ऑब्वियसली एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, तो जो आपका स्प्रिंग है वो आपके कॉमेटर पर चल जाएगा, तो आपके आर्मिक्चर को जो वो है डैमेज कर सकता है। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना, कार्बन को जल्दी चेंज कर लेना चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए टाइम से। अगर आपका काम समझो रोज़ रेगुलर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में आपको कार्बन जो है एक बार चेक करना है। और अगर आपका कभी कभी काम है मशीन का, तो आपको 1 महीने के पहले आपको इस कार्बन ब्रश को चेक करना है, क्योंकि कार्बन ब्रश जो है, अगर आप जैसे मशीन को डिपेंड ऑन योर वर्क, जैसे आप मशीन को यूज़ करोगे तो उस हिसाब से आपके कार्बन जाएंगे। तो कुछ अंदर से आपको इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये होल्डर है और नीचे जो है वो कॉमेटर है आर्मिक्चर का, तो दोनों साइड आपको सेम देखने को मिल जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन को इंस्टॉल कैसे करते हैं मशीन के अंदर। तो सबसे पहले इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें राइट लेफ्ट का कोई इशू नहीं है, मतलब आप कौन सा भी कार्बन किधर भी डाल सकते हो। और कार्बन कैप की बात करें तो इसमें भी सेम एज इट इज़, कोई भी कैप किधर भी लगा सकते हो, उसमें कोई लेफ्ट राइट का इशू नहीं है। तो अभी समझो ये वाला कार्बन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कार्बन जो है वो इस तरह से डालना है, ना कि इस तरह से डालना, जिस तरह से आपको गैप दिया गया है, तो इस तरह से कुछ आपको कार्बन डालना है, कार्बन जो है इजीली चले जाएगा। और ये कैप जो है, इस कैप को इस तरह से कार्बन पे लगाना है, और मैं आपको बराबर दिखाता हूँ, इस तरह से कैप को पकड़ना है, और जो ये होल है कार्बन का, ये होल है गोल, सो इस पे ऐसे कैप लगेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह से कैप लगाना है और इस तरह से अंदर डाल के कैप को सिर्फ हल्का घुमाना है। और याद रखें कि कैप जो है वो आउट ना बिठाए, वरना आपकी कैप टूट सकती है या फिर आपके थ्रेड जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से एकदम इजीली आपका जो है कार्बन चले जाएगा अंदर। और याद रखें कि कार्बन कैप को आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना कैप टूट सकता है और फिर खोलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा भी सेम है, तो इस तरह टाइट करना है आपको पकड़ के। कार्बन जो है वो एकदम फिक्स हो गया है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि कार्बन कब चेंज करना है आपको। अगर आपकी मशीन चल रही है और अंदर अचानक से पटाखे मारने चालू हो गए, तो समझो आपके कार्बन, एक बार आपको कार्बन कैप जो है एक बार खोल के कार्बन को देख लेना चाहिए कि आपके कार्बन कैसे है। और अगर कार्बन ख़त्म हो जाते हैं तो आपको फटाक से कार्बन चेंज करने। और अगर बाय चांस
पटाखे मार रहे हो और कार्बन सही है तो इसका मतलब आपका आर्मेचर जो है वो डैमेज हो चुका है, तो आपको आर्मेचर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ इस मशीन के ऐसे कार्बन है, मतलब आप कोई सी भी मशीन लो उसमें भी आपको इसी तरह से कार्बन चेंज करने हैं, बस आपको कार्बन के मॉडल में मालूम लेना चाहिए। मार्बल कटर मशीन कार्बन लेते हो तो आपको CM4 करके कार्बन लेने हैं, और अगर आप ग्राइंडर के कार्बन लेते हो एंगल ग्राइंडर के तो आपको 801 करके कार्बन आते हैं वो ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे कार्बन हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। अगर आप वही बात करें तो अगर आप कट ऑफ्स के कार्बन लेते हो तो आपको 355 के कार्बन लगेंगे, और अगर आप ब्रेकर के 5 kg ब्रेकर के कार्बन लेना चाहते हो तो आपको 801T करके कार्बन आते हैं। सब अलग अलग आते हैं। और फिर कार्बन डालने के बाद देखो आपको स्पार्क जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपको स्पार्क देखने को नहीं मिला इस मशीन के अंदर। वैसे मशीन जो है मैंने चाइना वाली मशीन मेरे पास पड़ी थी तो मैंने यूज़ की है इस वीडियो के लिए नेक्स्ट स्टॉप करके। सो मैं आपको कार्बन क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन जो है ये इसका ग्रेफाइट जो एकदम शाइनी है, ये जो ग्रेफाइट है वो चमक रहा है। तो आपको क्या करना है, एक हार्डवेयर वाले कार्बन आते तो वो आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि उनका ग्रेफाइट जो रहता है वो बहुत हार्ड रहता है। आपको कार्बन जो है वो हार्डवेयर वाले यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप कार्बन हार्डवेयर वाले यूज़ करोगे तो आपका जो आर्मेचर का वो नुकसान करेगा क्योंकि उनका जो ग्रेफाइट आता है वो बहुत स्ट्रांग आता है। आप कभी भी ध्यान रखना अगर आपके कार्बन खत्म हो गए, और दुकान है पावर टूल्स की तो आपको पावर टूल्स की दुकान से लेना है, वरना हार्डवेयर की दुकान से लोगे तो वो आपको बेकार कार्बन देंगे। और मैं बता देता हूँ कि कार्बन कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथ पे घिस सकते हो, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आएगा तो समझो ये वाला कार्बन आपको यूज़ करना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। और गाइस कमेंट करते रहिए, आप कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है, शेयर भी करते रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।